फ्रेंड नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष, डॉक्टर ससंगी क्लिनिक। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बालों से संबंधित बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लगातार पिछले कुछ महीनों में लाता रहा हूँ। ये ट्यूटोरियल्स मेरे रूम में जो मैं कंसल्टेंसी देता हूँ, ये उसके इक्विवेलेंट है, उससे ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। ये आपको गाइड करते हैं कि आपका ट्रीटमेंट क्यों होना चाहिए। आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, आपको आराम नहीं मिल रहा है, 3 महीनों में बाल कम हो गए, क्या कारण है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इन सब से संबंधित मैंने आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स दिए हैं। आज का ट्यूटोरियल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट करें इसको। तो ये जो बाल कम हुए हैं, इसके पीछे मेडिकल रीजंस क्या है? अगर हमें दिख गया तो हम उस पेशेंट को अपने मेडिसिन से ठीक तो कर देते हैं, लेकिन मेडिकली हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि भाई तुम ठीक हो गए और काफी दिनों तक ठीक रहोगे, इन्हें न्यूट्रिशन की जरूरत है, इनको तुम ठीक कर लोगे तो फिर आने वाले दिनों में तुम्हें डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फायदा है डायग्नोसिस करने का। तो हमने ब्लड टेस्ट किया और डायग्नोसिस बनाई कि हाँ, इसमें कैल्शियम की कमी, इसमें विटामिन डी फ्री कम है, इस पेशेंट की टीएसएच लेवल्स हल्के से रेस्ट हैं, टी4 लेवल्स पेशेंट के कम है, थायराइड की तरफ पेशेंट गया है, इसने ड्रग्स लिए कि नहीं लिए ये पता चल जाता है। नंबर 4, विटामिन डी का क्या लेवल है, मैक्रो एलिमेंट्स, पेशेंट के न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कैसे हैं। एक सीमेंटिंग प्रोटीन होता है, दैट इज अ फेरस प्रोटीन कॉल्ड फेराइटिन। फेराइटिन इज अ वेरी यूजफुल प्रोटीन जो कि आयरन के स्टोर के लिए हमारे लिवर में रहता है और हमें जरूरत पड़ने पे वो आयरन का सप्लाई देता है। इसका चेक करना, फेराइटिन का चेक करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं इसको सिंपल भाषा में कहता हूँ, सीमेंटिंग प्रोटीन। अगर पेशेंट के फेराइटिन लेवल 40 के नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली ही रिक्वायर्स सम बूस्ट इन फेराइटिन लेवल्स। किस तरीके से हो सकता है, न्यूट्रिशन से हो सकता है, क्या बायोकेमिक सॉल्ट सेट करने से हो सकता है, क्या कुछ ड्रग्स हैं जो फैसिलिटेट कर सकती है। तो इस तरीके से ब्लड रिपोर्ट्स करना पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो बोलने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस हमें ऑब्जेक्टिविटी देता है, मेडिकल साइंस हमें इस बात को तय करती है कि क्या क्या चीजें हमें ठीक करनी है, किसमें दवाई की जरूरत होगी, किसमें न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, किसमें आचार व्यवहार की जरूरत होगी, कहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन में माइंड बॉडी काउंसलिंग की कहाँ इंपॉर्टेंस है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कि मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हेयर लॉस इज अ 360 डिग्री इवेल्यूशन ऑफ मेडिकल एज वेल एज अ इंटरनल पार्ट ऑफ अ पेशेंट, जिसको हम कहते हैं माइक्रोकॉजम एंड मैक्रोकॉजम, एनवायरमेंट, जेनेटिक्स, ओवरऑल ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द पेशेंट और अ पर्सन, एंड देन माइक्रोकॉजम, दैट मींस हाउ ही इज फ्रॉम इनसाइड, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, क्या सोच है, माइंड लेवल पे स्ट्रेस पैटर्न को कैसे ठीक करना है, क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ये सब क्राइटेरियाज आपको इस बात को तय करते हैं कि आप किस हद तक ठीक होंगे, कितने ठीक होंगे, किस हद तक आप परमानेंटली ठीक होंगे और कितने बार आ जाएंगे। देखिए, ये प्रिडिक्शन बहुत ईजी होता है, डॉक्टर ससंगी सब चीज को प्रिडिक्ट करते हैं, पेशेंट की फाइल्स में लिखते हैं, फाइंडिंग्स लिखते हैं और बता देते हैं कि आपको 8 से 12 महीने लेना ही लेना है या आपको इतने दिनों में आप ठीक होंगे। और मैंने अपने पिछले 20 साल में इस चीज को इतना एक्यूरेट अपनी टीम के साथ किया है कि हम लगभग 90% सेंसिटाइज डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज और प्रोग्नोसिस, मतलब ट्रीटमेंट के बाद क्या रिजल्ट होंगे, उसको हम क्लियर बताते हैं। अगर पेशेंट के पास हिस्ट्री में कोई मेजर स्ट्रेस रही है, पारिवारिक स्थितियां खराब रही हैं, डिवोर्स हुआ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही है, या पढ़ाई से संबंधित स्टूडेंट में कोई टेंशन रहे हैं, साइकियाट्रिक हिस्ट्री रही है, तो ऐसे कंडीशन में स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर होता है। स्ट्रेस को जानना, उसकी ड्रग्स क्या लिया वो भी जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यंग एज में जननी होता है हेयर लॉस का। नंबर टू क्राइटेरिया इज फाइंडिंग द स्किन कंडीशन ऑन स्कैल्प, जिसके लिए हम डर्मेटो माइक्रोस्कोपी या डीप हेयर एनालिसिस करते हैं। उसमें ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए देखना कि पेशेंट के जो बाल निकल रहे हैं उसके आसपास की एरिया कैसे हैं, क्या उसमें स्केली है, क्या रेड है, क्या वहां पे फंगल इन्फेक्शन है जिसको हम सेबोरिक हेपेटाइटिस कहते हैं, क्या उसके बाल काफी पतले हो गए हैं, क्या बालों के शेफ मतलब बाल जो अपने में वो डैमेज हो रहे हैं, क्या बाल पहले की तुलना में छोटे हो रहे हैं ज्यादातर जिसको हम कहते हैं मिनिएचराइजेशन, क्या बाल के छेद बंद हो गए हैं, बाल उसमें दिख रहे हैं जिसको हम ब्लैक डॉट्स कहते हैं, क्या बाल खत्म हो चुके हैं मुड़ गए जिसको हम कर्ली या कैडावरिक हेयर भी कहते हैं। इस तरीके से हम डर्मोस्कोपी भी उसको डायग्नोस करके ये बात पक्का करते हैं कि क्या लाइन ऑफ एक्शन होम्योपैथिक मेडिसिन पे हमें लेना चाहिए, क्या हमें उसको लोकल एप्लीकेशन में भी कुछ प्लांट टिंचर्स देने चाहिए, क्या इंटरनल मेडिसिन हम दे रहे हैं उसमें किस लाइन ऑफ एक्शन की जीनियस इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम कहते हैं कंप्लीट ब्लड रिपोर्टिंग्स इन वे ऑफ हार्मोन एनालिसिस। हम पेशेंट के टीएसएच, टीसी, टी4, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से संबंधित कुछ बेसिक क्राइटेरिया देखते हैं। फीमेल्स में अगर पास हिस्ट्री रही है मेंसेस के डिसऑर्डर की तो उसमें हम डीएचईएस और हार्मोनल इश्यूज देखते हैं। सो फ्रेंड्स,
इस बार इतना ही काफी आपके लिए। मैं ऐसे बहुत सारी जानकारी आपको देते रहूंगा। मुझे आपके तक सुनने के लिए थैंक यू, और आपके अंदर बैठे ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ।